हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं सुमित और फोटोशॉप के एक और मजेदार सी ट्यूटोरियल लिए फिर से मैं आ गया हूं। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे म्यूजिक एल्बम के लिए हम कवर आर्ट डिजाइन करेंगे। पर उससे पहले छोटी सी गुजारिश मैं करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिए। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट, उसके लिए मैं जाऊंगा फाइल में और न्यू में क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आ रहा हूं यहां पे, नेम देंगे प्रीसेट डिटेल्स में, क्या नेम दे, म्यूजिक एल्बम, ठीक है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहां पे आ रहा हूं मैं और यहां से मैं यूनिट ले रहा हूं पिक्सल्स में, ठीक है। साइज मैं ले रहा हूं 3000 by 3000 विद एंड हाइट में, ठीक है। आर्टबोर्ड मैं नहीं लूंगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि रेजोल्यूशन आप देखिए, अगर प्रिंट आप करवाना चाहते हो तो कम से कम 300 जरूर रखिए, ठीक है। और कलर मोड को अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो CMYK पे रखिए, अगर नहीं करवाना है तो 72 पिक्सल्स काफी है, ठीक है। RGB कलर मोड पे रख के इसको क्रिएट कर दीजिए। ऑलराइट, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप आईट्यून या फिर स्पॉटिफाई या म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लिए भी ऐसे एल्बम कवर डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाए लेयर पैनल पे, इस लॉक को अनलॉक कर दीजिए। एक बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा ताला। सबसे पहले मैं ये करूंगा कि एडजस्टमेंट लेयर में अगर सॉलिड कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर मैं ले रहा हूँ, एक ब्लैक कलर का एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। और इस वाले लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब एक और मैं ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और यहां से मैं ले रहा हूँ ब्रश को, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा हूँ, हार्डनेस को मैं फुल कर दूंगा, या एक काम ये करेंगे कि ये वाला हार्ड ब्रश ले लेंगे, राउंड ब्रश को, ठीक है। हार्डनेस देखिए पूरा 100% होना चाहिए। साइज अपने मुताबिक ले लीजिए, साइज का कोई इश्यू नहीं है। ओपेसिटी 100, फ्लो 100, स्मूदिंग को 10% के आसपास जरूर रखिए, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा और वाइट कलर मैं रखूंगा फोरग्राउंड में और इस तरह से एक वेव की तरह बनाएंगे, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ, मजा नहीं आया, फिर से एक बार, या ये ठीक लग रहा है मुझे, या ठीक है, कुछ इस तरह से बनाएंगे। और इसी लेयर पे रहते हुए डबल क्लिक करेंगे और आ जाएंगे लेयर स्टाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां से कलर ओवरले, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं और यहां पे आके आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हो। मैं ले रहा हूं जी इस तरह का येलो में आके और इस तरह का लाइट येलो कर रहा हूं, ठीक है, ये देख सकते हो। ऑलराइट, सो ओके कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं ले लूंगा, यहां पे आऊंगा मैं आउटर ग्लो में, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाए कलर में, कलर मैंने पहले लाइट येलो लिया था तो अब मैं यहां पे ले रहा हूं जी कुछ इस तरह का येलो, ठीक है जी, कुछ इस तरह का थोड़ा सा ऑरेंज में मिक्स करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ओपेसिटी को अपने हिसाब से रखिए, ठीक है। मैं ये कर रहा हूं कि ओपेसिटी को मैं रखूंगा 60-70 के आसपास, ठीक है जी, कुछ ऐसे, ठीक है। ब्लेंड मोड को स्क्रीन पर ही रहने दीजिए। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो टेक्निक्स में सॉफ्टवेयर रखिए और स्प्रेड को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, लाइक इसको मैं 15 के आसपास, 14 मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और साइज को आप देख लीजिए कितना आपको दूर तक फैलाना है, तो वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इसको 70 मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और कम करूँगा, या 65 के आसपास, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे मिलता है मैं स्ट्रोक भी ले लेंगे। स्ट्रोक में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर हमें नहीं लेना है। मैं ले रहा हूँ जी कुछ इस तरह का येलो,
ऐसा वाला येलो। एक काम करते हैं कि वापस मैं जा रहा हूँ आउटर ग्लो में, ये वाला जो कलर हमने लिया है इसका मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ये हैश कोड का, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरह का ऑरेंज मैं ले रहा हूँ ये वाला, और ऊपर स्ट्रोक में आ गए यही वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हैश कोड को कुछ इस तरह से, ठीक है, हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। चाहो तो इसको थोड़ा सा लाइट और डार्क आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, मैं कुछ ऐसे रख के ओके कर रहा हूँ। साइज को अपने मुताबिक देख लीजिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं ये करूँगा कि यहाँ पे पोजिशन में आकर इसको आउटसाइड में कर दूंगा, ठीक है, तो अब बाहर की तरफ जा रहा है। साइज अपने मुताबिक आप देख लीजिए कैसा आप साइज रखना चाहते हो, तो लाइक मैं कुछ इस तरह का एक साइज ले लेता हूँ 18 पिक्सल्स का, ठीक है। और कुछ आपको छेड़ने की इसमें जरूरत नहीं है। वापस मैं आ रहा हूँ आउटर ग्लो में, ग्लो को थोड़ा सा और मैं बढ़ा दूंगा, तो साइज को थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने 87 के आसपास रखा है, ठीक है। तो जरूरी है कि यही आपने वैल्यू देना है, इसके आसपास का कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ जी ओके, ठीक है। अब एक काम और करेंगे कि यहाँ पे आ जाए और यहाँ से टाइप टूल ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अपने एल्बम का नेम दे रहा हूँ, इलेक्ट्रो कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ पहले इसको कंट्रोल टी से, ऐसे करके यू। सो अब मैं आ रहा हूँ जी कैरेक्टर के पैनल पे, और यहाँ पे आके मैं फॉन्ट एक ले लेता हूँ। अब फॉन्ट अपनी मर्जी का कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से जी कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, रिजॉल्व रेगुलर, ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ और इसको मैं बिल्कुल सेंटर पे आके रख देता हूँ, राइट। ऑलराइट, सो नीचे वाले लेयर पे आ रहा हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और कॉपी लेयर स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ऊपर वाले टेक्स्ट के लेयर पे आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे पेस्ट लेयर स्टाइल को, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अभी थोड़ी देर के लिए नीचे वाले लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एक काम करेंगे इस लेयर के ऊपर और बीच में मैं थोड़ा सा गैप लाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, थोड़ा सा मैं गैप लाऊंगा लाइक यू, ठीक है, और थोड़ा सा मैं छोटा भी कर लूंगा इस तरह से, एंड कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब उठा के मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे लेके आ रहा हूं, राइट। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब मैं इसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा रास्टराइज लेयर स्टाइल में, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाएंगे फिल्टर में और ल्यूक्यूफाई ले लेंगे यहां से, और आ गए हम ल्यूक्यूफाई के अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे रिसेट जरूर कर लीजिए, कभी भी आपने छेड़ा हो तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो ये जो कैंसिल है ये रिसेट में बदल जाता है, ठीक है, एक बार रिसेट जरूर कर लीजिए। ऑलराइट, सो पहले तो मैं ब्रश को कर रहा हूँ छोटा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं मैं कर क्या रहा हूँ। ये बीच में है तो आपने इस तरह से चलाना है, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से आपने चलाना है, ऐसे एजेस में जो स्ट्रेट एजेस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बिगाड़ना है आपने कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं ताकि आप बोर ना हो। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब एक काम और करेंगे कि ये जो बाहर के एजेस हैं इसमें भी हमने फेरना है, तो सेम उसी तरह से हम करेंगे, हमने कुछ इस तरह से फेरना है, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब ब्रश को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं ऐसे करके ले रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आपको समझ में आए, और कुछ इस तरह से, ठीक है,
थोड़ा सा कर्व बनाते हुए इसको ड्रैग करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट मत कीजिए, उतना मजेदार नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, यूं करके ऐसे और कुछ इस तरह से, ज्यादा नीचे तक मत लाइए, थोड़ा सा आपने ड्रैग करना है बस कुछ इस तरह से, एंड कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ब्रश को मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे भी सेम ऐसे ही करूंगा मैं। सो इतना काफी मुझे लग रहा है और इसके बाद हम ओके कर देंगे। सो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। एक काम मैं और करूंगा, मैं वापस जाऊंगा लिक्विफाई में, थोड़ा सा ये मुझे यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है मुझे, तो एक काम कर रहा हूँ मैं फिल्टर में जा रहा हूँ, लिक्विफाई वापस जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ इसको और यहाँ पे आ रहा हूँ जी, ये जो है यहाँ पे मैं वापस इसको फेर देता हूँ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, ओके कर रहा हूं। सो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इसके बाद आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, मैं मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है, ये ठीक है बिल्कुल, और इसको बिल्कुल सेंटर पे रखना है आपने, ठीक है, कुछ ऐसे। अब आ जाते हैं जी नीचे वाले लेयर पे, इस वाले लेयर पे, ठीक है। इस लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे इसको और इसको कर देंगे रास्टराइज लेयर, ठीक है, और इसी लेयर पे रहते हैं वापस जाएंगे फिल्टर और लिक्विफाई, ठीक है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं इस तरह से ब्रश को, और पहले तो इस तरह से कर रहा हूं, यहां पे भी हमने इस तरह से ड्रैग करना कर्व बनाते हुए, ठीक है, ऐसे, और जो साइड के है उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखिए, ठीक है, लाइक यू ऐसे, और जो बीच के हैं उसको थोड़ा सा छोटा छोटा रखिए, लाइक यू, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ब्रश को ऐसे। आई थिंक मुझे ये ठीक लग रहा है और मैं ओके कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल टी करूंगा और इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ ऐसे, और इसको एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपने रखना है, जैसे आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, और मैं कुछ ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका एक और डुप्लीकेट करूंगा इसी लेयर का, ठीक है, कंट्रोल जी से और कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और राइट क्लिक करके और इसको कर दूंगा वर्टिकल फ्लिप, ठीक, और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे, और चाहो तो ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऐसे करके लेके जा रहा हूं, ठीक है, यू इस तरह से कुछ ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं ओके कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो कंट्रोल टी फिर से और शिफ्ट की प्रेस करते हुए यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा ऐसे एंड कुछ इस तरह से, ठीक है, नीचे आके इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मजेदार लगेगा ये। ऑलराइट, सो ये तो हो गया जी हमारा इतना। इसके बाद आप चाहो तो कलर अगर पसंद ना रहो तो कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो। सबसे ऊपर वाला लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे आ जाइए एडजस्टमेंट लेयर में और यहां से ले लेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन, राइट। सो इसके बाद यहां से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो कलर को, लाइक कुछ इस तरह के या फिर कुछ ऐसे, जो भी आपको कलर पसंद हो, जैसा पसंद हो आप वैसा रख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं कुछ इस तरह का रख रहा हूँ। ऑलराइट, सो डन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में एक और मजेदार से ट्यूटोरियल लिए फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।